धड़ास जैसे आवाज आई, परिचित के आवाज काने में पड़ी गई, भैया स्टैंड अप, रुको। परिचित आए, ओए ओए बहुत दो धोखा दे रहे हो हैं। तुम सबको कहे हसो भाई हैं? सुनकर वीर परिचित आयो, देखा एक लड़की अमृत भर रही, बोले ए लड़की, ए लड़की, वो तो नारी कौन की तिरिया हंस गजगिली आई हो। आज मारिस, आज पकड़ लेने ना फंस गए ना गहरियम। परिचित बोल बोल कहा तो विचार किया कि भौंकाल मारो, पहले भौंकाल मारो, यही लौंडाऊ हमका चट्टी सट्टी समझ बना के वहां, हम अपने बप्पा क्या नाव बताए तो कुआं सुआ सब छंड भाग जाए वहां। गुर्राए लागे, तब वो बताइस सुता में हूँ बासुक नल के, सुता में बासुक नल के, बिगड़ गई काया बाबुल के, बिगड़ गई काया बाबुल के, इनको अमृत भरने आयो, अरे तुम मत विलम लगायो, आज भी जो कोई वीर बुलायो। बात कहा तो ए परीक्षित तो कहीं याद आएगा, बाबा बियाह कहना है तो कहना है राजा बासु के बिटिया के संग तुम्हारे बियाह कहना है या वह है तो ना है वो। आखनम तब ये दिल मुस्कुराया, बाबा का वचन सुनकर बचन खुशी भयो लाला। अरे तो हुआ कहा घुस गई वहां बताओ, तू तो कुएं उठा के ले चली थी। जिसका मुझे यो भोजपुरी कद्दू सुन लो मोर दद्दू, जिसका मुझे था इंतजार, निकल रहा हूं बाहर, वाह घड़ी आ गई आ गई। परिचित गलगल हो गया, कहा लग दादा या वहां आए हो तू। सुनकर बचन खुशी भयो लाला, तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, तो नारी मांग मेरी सुंदर, अरे ने मोह मिलाई दही, नारी मांग मेरी सुंदर, अरे ने मोह मिलाई दही, तो नारी मांग मेरी सुंदर, अरे ने मोह मिलाई दही, तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, हरि ने मोह मिलाई दही, चंद्रमा और सूरज जस जोड़ी, चंद्रमा और सूरज जस जोड़ी, अरे बिन ने
कहला गया छिया जान न पहचान बड़े मियाँ सला, बिहाव करैया होगा बहुत बिहे भूखे हो, अब हमारे का बाहर निकल ले तब इनका कलाकारी देखे, तब देखे कितने बड़े विद्वान हैं। खैर निकली बाहर, जैसे बाहर निकली तो परीक्षित सुचिन देखे वाला ठीक ठाक है, वो इस तरह जो जलाए गए हुए ज्यादा जलाए गए तो बारीक पहरा डाल दी ऊपर मार फेंक दी, तो जैसे छुआ वा तो नागिनी रहा नाग बन सक रहा है भैया उसका कला मालूम रहे, जैसे परीक्षित बचन सुन के नागिन बन गई, एक सिल के नीचे घुस गए। जैसे परीक्षित छुईन तो तुरंत बन गए भैया, कौने दिशा में ले से चली रे बैरिया, आ जाना बन गए भैया। परीक्षित गाला याद आ दुल हिंदिया खो नकटा कहे या कसिला परी रहे वह खाले घुस गए, काला यो बढ़िया रहा। अब विचार किया कि यू जब चला जाई तो निकर अब कोई न्यायी प्यारा सफेरा वाला, मैं तेरी दुश्मन में दुश्मन तेरा, मैं ना गिन तू सफेरा, वह के झुरियम घुस ला जू जाई बची पकड़िया मरी गो पाई बहने के आड़ा खड़ा रही गो तो रही जा दियो। जब सिला के नीचे घुस गए परीक्षित ठाड़ सोचा अब क्या करे यार भैया का सुरजा पुर जाए का नहीं नहीं धनाओ धनाओ जाप सेखवापुर का जाप सेखवापुर मान है बनी बक्सी खेड़म बढ़िया व्यवस्था लोग दानी बहुत हैं। ए अभी बैठ सोचे लेकिन विचार किया बाबा कहना कि जो तुम हमारे सामने लायक पेश कह दे हो तो तुम हमारे छत्री कुल के बेटा हो, तो भैया विचार किया या जब नागिनी बनेगा तो हमहू गुरु अपने चेला पक्या, तो वह जब बन गए नागिनी तो परीक्षित का बनेगा मालूम बंगाल वाला सफियारा बन गई नी सफेरा, और बन के सफेरा एक बिहारी से ऊपर भारी निरहुआ हिंदुस्तानी, बन के सफेरा और बजा देहले लहरा है।
10 रुपया लाओ कुछ ज्यादा गुमसेना से। और ये श्री कृष्ण मित्र मंडल सुरजापुर से 100 रुपया श्री कृष्ण मित्र मंडल की तरफ से। भैया लोगों ने हमारे लिए सम्मान दिया और खुश भी हैं बेन के रे लहरा पर जौन हम मुँह फुलाएन मुँह तुम्हारा फुलाई दिया भैया हो तुम जान दो। प्रेम सुनो सिया रामचंद्र भगवान की। चलो कोई दिक्कत नहीं भैया जौन कहा कोई कह लियो हम तो तुम्हारे वहाँ है ना हमारे हमारे यहाँ को है। जैसे बीन का लहरा बजा तो उसने समझा कोई सफ्यारा वाला आवा है लावे की झोरिया में घोसले कहो निकल ले दादा तो जू बच जाई। सुनकर लहर नांगनी निकरी जैसे बाहर निकली तो का दिया कही तो वह है सफ्यारा वाला। लेकिन के भैया तुरंत घर से निकलो तुरंत घर में घुस नहीं मिलिया कबो कबो लड़ी जाओ भड़ाका कहो तो विचार किया अब का बने तो तुरंत सुए नागिनी का बन गए बन के सुआ भागे ऊपर को सुता विद्याधारी बन के भाग खड़ी हुई तो परिचित बोले सात समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गया बन के सुवा भागी ऊपर को शेष सुता विद्याधारी तो बन के पाज परिचित झपटा दुल्हन गिर गए कुआं भैया दुल्हन ताल में गिर गए ढोड़ा दे हो जो कोई ढूंढ दे रुपया मनमाना दे तो जी के जा रहे रहे तो जा रहे लेकर दौड़ी पर और जी के जा रहे नहीं रहे भैया तो धोती ले गाल चलो ये हम पकड़िए चले तो डारे भैया गाने चला रहे ए जब सब गांव भर पकड़ रहे मछली कहीं हाँ गांव भर तो गांव घर की मेहरुआ सब ठाढ़ी दुआरे डारे कुइया मजर डारे देखो को पकड़े पावे आए हमारे बुढ़ो बड़े शिकारी यहाँ गाना बजाना हो वह बड़ी मछली रहे हो तुरंत मिल गए। जैसे मिल गए परिचित आखिर गिरी जल में मीन भैया पकड़ लियो चार टार तत्काल पकड़ लियो जागतन फिर तिरिया बन गई जागतन तिरिया बन गई भूत को सिर बाचा दई रही अमृत दई पिय चल दी यही वे अरे तुम मत बिलम लगायो आज भी जो कोई वीर बोलायो नहीं चली तो बन के वह इतना फिर खड़े हो गए अगर लगे
काला का बात और कोई बनो भाई, अभी तो नांगनी बनी सुहा बनी मछरी बनी अभी बकरी ब्याड़ा बाग की काला की क्या तभी तो तुम यू बताओ मत आता ना तुम हमारे फिराकम काहे परे आओ। तो परिचित बोले फिराकम परे हो फिराक न छाड़ा। एक बात सुन ले, तेरे बाप और हमारे बाबा ने पंसा खेला था, हमार तुम्हार शादी तो बहुत पहले भय रहे, ऐसे तुमका थोड़े छू लिया दुनिया बदनाम नहीं कह सकत है। जैसे अतनी बात कहा भैया तो नवल दे कहेगी हाँ, फिर पापा कह रहा निपटन नहीं है। लेकिन एक बात सुनो, अपने पिता से मैं कह दूंगी, मैं कहा था कि जो मैं कन्या असली आपकी बिटिया हूं तो अमृत लेके आऊंगी, तो अगर अमृत लेके नहीं जाओ तो दूसरी बात यू है कि अपने बाप की असली बिटिया नहीं रह जाओ, और तीसरी बात यह है कि जब आगे लड़का बच्चा हुई है तो यह कहे कि मामा खेरे रोग रहा है तो विवाह करा, ऐसा ठीक नहीं है, तो उनका शरीर शुद्ध हो जाओ, असली बिटिया भी बन जाऊं, बच्चा रह जाए मैं आऊंगी। परीक्षित बोले भैया यो भाई नहीं, हाँ हाँ अब एक होती तो यू तुम ना बनते हो तमाशा। विश्राम सागर में यहाँ लिखा है बहुला गैया, बहुला गैया बोली, बहुला बोली सिंह से आवो सुतही दूध पियाए, तो सिंह वाला ए बहुला घर का जाए पुरुष का पहियो प्राण देन तुम काहे कहियो। तो जब इतना कहा तो परीक्षित बोले भैया घर जाग ना ही हो, तो नवलदे बोली जरूर आऊंगी। परीक्षित से नवलदे बोली लेकिन एक बात सुन लो, वादा करो कि जेले हम लौट गना है तेले आंखी बंद के बैठ रही हो, किसी औरत को देखोगे हमका फोक पहचान लो हम है आम लेके। परीक्षित सोचा कि चलो मुलाकात हो नहीं गए हो, आई तो है ना ही तो देखा जाई, चल पड़ी लेके घड़ा अमृत का भैया अपने पिताजी को ठीक करे खातिर। नवलदे बोली सुन लो, दुनिया छोड़ के आई लौट ना जाई, चलती बेरिया नजर भर के देख लो, चलती बेरा नजर भर के आए रे। थमके दिल मन नजर भर के देख लियो, बहुत ज्यादा हो भैया। ना मैं मोटी ना मैं पतरी, ना मैं मोटी ना मैं पतरी, गाल पे गाल पे गाल पे दिल है नजर भर के देख ले, गाल पे दिल है। भैया नवलदे दिया घड़ा चली आई, अपने पिता बासु को स्नान करवाया। माताओं बहनों इस बात से ध्यान देना, घर के ऊपर कत्तव नाराज हो, जैले घर का सदस्य आदमी खाना न खा ले तैले माताओं बहनों को लड़क नहीं चाहिए पति से। नवलदे अंदर से जल रही ऊपर से हंस रही कि अगर लड़ पड़ब तो ना ही है ना अमरथो ना डर है ओ बिगड़ जाए बात। तो राजा बासु को नहवाया, जब राजा बासु नहाए के शुद्ध हो गए तब नवलदे बोली पिता तो सार पासन में हाँ, और हमसे कह रहा हूं निपटन नहीं है, जाओ पिताजी मैंने कहा था कि अगर असली बिटिया हूं तो अमृत लेके आऊंगी, और अब कसम खाती हूं ताबे जिंदगी आपके द्वारे नहीं आऊंगी। आता कह के नवलदे भैया बस भाग खड़ी भाई। अभी परीक्षित भैया ठाड़ो बाट परीक्षित यार रे, ई कुआं पर ठाड़
आई नहीं यार, बिगड़ी की बात। जमीन के झगड़ा रोग, भाई के झगड़ा रोग, पैसा का लखड़ा रोग, जी के घर वाले का लफड़ा होगा, कहते हैं पिंड रोग। और पिंड रोगी आदमी तो पहचाने ये होती ना सोई ना खाई, सवेरे है जा पुलिया पर बैठ कर रोई और ना खुआटत होई, बिगड़ी गवा यार, बिगड़ जाने गवा है, जान एक बिगड़ी गवा, देखो कितना का सुधरे हो। परिचित बैठ कुआं पर सोचे ही नहीं या कौवाली सुना दे, परिचित सोच रहे हैं कि प्रेम करना है तो उस खुदा से करो, इन हसीनों का कोई भरोसा नहीं, प्रेम करना है तो उस खुदा से करो, इन हसीनों का कोई भरोसा नहीं। परिचित ठाड़ो बाट परिचित यार रहे, लेकिन तैले भैया देखिन का भैया फागुन महीना सूधे चलिया वही सरसों मैया धर्म लती, परिचित या आ गई नी रहुआ, आ गई नी रहुआ, आ गई नी, परिचित मारे खुशी उमय रुक जाए, उमय रुक जाने गिर पर जाओ छटा जाइ वहां नौ फूट जाइ। नवल देव उसी जगह बैठ गई, परिचित खुद सम्मान किए, देखो भैया काहे बद कहे, एक बात बताई, जौन लड़की देश कुल परिवार बीबी बच्चा माता पिता भाई रिश्तेदार गांव जिला जवार एक सवाई जड 100 वेलकम टू वेरी, दुनिया के सारी संपत्ति पर पानी फेर दे और याक जू के पाछे भैया घर छाड़ के चली जाए, वही लड़की के यहाँ जौन आदमी दुख देते है तो वही का मरे के बाद जाना तो कहा बने पड़ते है मगर माचो। इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद बहुत बड़ा दुख मिलता है, वही औरत वही लड़की भैया दुख ना देख चाहिए, परिचित ई मारे बढ़ के सम्मान किया। नवल दे कहा लगी, परिचित बोले चलो, कहा लगी बनाई जावा दुलार करती है, परिचित प्रेम भी करते हैं भैया, वो कैसा आदमी जो अपनी स्त्री को सुखी न रख पावे, वो कैसी औरत है जो अपने पति को प्रसन्न न कर पावे। नवलदे बोली इतना नहीं जब तो कितना जई हो, गोदिया माँ हम का ले ले पिया गोदिया माँ ओ ओ ओ कह लगी हमका कनियम ले लो। परिचित बोले कनियम का, कनियम ले लिया तो बेचती नहीं हुई जी, चलो ऐसे कह कह प्यार प्यार के साथ भैया आज परिचित अपनी पितृणी नवलदे को इतना सुख देने के लिए लेके महाराज अर्जुन के सामने पेश किया। आज परिचित लेके नवलदे को जिस समय अर्जुन के पास पेश किया उस समय भैया जैसे नवलदे को देखा महाराज अर्जुन ने परिचित से पूछा कौन है, कहा राजा बासु की बिटिया। महाराज अर्जुन ने हाथ फेरा कहा बेटा मैं समझ गया कि तू भी क्षत्रिय वंश का कल्ला है। नवलदे से कहा बिटिया टेंशन ना करो, आधा हस्तिनापुर तुम्हारे नैहर हुआ है आधा है ससुरार, यूं समझो कि भाग गया नहीं तो काम न हुई। बेटी जितने काम ससुराल में है उतने काम मैके में हुई है, चिंता ना करो, तुम्हार ब्याह काम काज हम सब करब, तो जत्ते काम भय नवलदे के भैया लड़की को होते नैहर मैया
वत्ते काम अर्जुन जी ने ससुराल में निटवाया था। माताएं बहने देखे हो, त्यालवारा जब होते तो त्याल पूजा जाते है तो कितना गाना गाती हैं, तक अम्मा लोग बैठती हैं खम बकेरे तो कहे हैं नेउते हैं आओ भाई देवता मना लीन जाए। आंधी पानी हो तुम होने वाते, तुम होने वाते आयो, और माछी बारो हो तुम होने वाते, तुम होने वाला हो भाई नहीं तुम होने वाते आयो, और फलाने के बापा के बापा के बापा के बापा के बापा हो तुम होने वाते, तुम होने वाते आयो, तीन दिन ना देखायो बाद में बखर चाट आयो। ऐसे सारे काम भाई अर्जुन जी के ब्याह है माँ, ए राम जी के ब्याह है माँ। जब भगवान कलेवा खायला तो पहले भाई गारी तक होला गारा विशाल लाइट एंड टेंट मोबाइल चचा सुनो तो जिस समय वो भजन गाओ गाओ माँ बार बार गुवाई घेपी है नहीं तो भैया अब अर्जुन सारे काम सफल भए। अर्जुन महाराज और पर नवलदे परीक्षित का विवाह कर दिए। परीक्षित और नवलदे हस्तिनापुर में आराम से रहने लगे। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए जब राजा वासुक ने देखा यह बात बिटिया गलत कह मालूम मैकेम ससुराल में ज्यादा पैसा मिल जाए ज्यादा आराम मिल जाए तो कहा लड़की बिटिया को यूँ कहा कि पप्पा तुम्हारे घर का कब हो ही नहीं करब मैके से ने लड़की बिटिया घर खाना वाले चाहिए कब हो ना या बात कब हो ना कहा चाहिए क्योंकि आज नहीं है कल नहीं हो 10 साल बाद हो आग दिन आवे परी कब जब लड़का के धनतिया का नंबर वही ताब तब झटैया मामा ही काटी हो ये बाबा हेमरा झटैया ना कटिया कथा कही दिया बात झटैया के बिरिया टहले चले जाओ तब मामा ही ढूंढा जात तो वह इस बात काहे कहो जो कि पालन न कह पाओ। राजा बासु ने सोचा हर संसार की लड़की अपने बाप से यही कहेगी। राजा बासुक ने कसम खा लिया जा लड़की कसम खाता हूं कि आज से पानी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तू विधवा नहीं हो जाएगी। या वह राजा बस को गलत बोले भैया लड़की के हम मारो पीटो डांटो सब करो का कोनो ऐसो बाप भला मिली जो हमारी बिटिया राण हो के घूमे विधवा हो के घूमे। या राजा बासुक गलत बोले इतने शेष मही अपने खान पान दियो छाड़ और वह दिन हम भोजन करें जब हो नवल दे मेरे बंधु। परीक्षित नवलदे का विवाह आनंद के साथ हो गया। नवलदे और परीक्षित आनंद के साथ रहने लगे और बड़े प्यार के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर महाराज वासुक ने बड़ा उपद्रव किया। बड़ी लंबी चर्चा है और बहुत बड़ी कथा है इसको विस्तार से सुना जाए तो लगभग 3 दिन का वक्त हो चाहिए पूरी चर्चा। परीक्षित और नवलदे का विवाह हो गया। परीक्षित और नवलदे आनंद के साथ हस्तिनापुर में रहने लगे। इसके आगे की कथा हम कभी आएंगे तो आप लोगों को क्षेत्र में ये 2 भाग बाकी हैं। दूसरे भाग की कथा फिर आप लोगों को मिलेगी। इसके आगे की कथा बड़ी घनिष्ठ है और बड़ी रासायनिक है। परीक्षित और नवलदे के विवाह की कथा मैंने आपको साल्ट में सुनाया। 7 दिन के लिए हमारे गुमसेना के भैया लोगों ने हमें बुलाया था जिसका आज बड़ा बहुत विशाल वास्तविक भंडारा हुआ और हमारे विशाल भैया की जैसा विशाल नाम है। अपने नाम की बदनामी मत कराना। जैसा नाम हो वैसे काम हो, जैसे नाव है विशाल वैसे इनका काम भी विशाल। विशाल माने बड़ा। नाव की बेइज्जती ना करो। नाव दयाराम हो तो दया करब सीखो। पता लग नाव है दयाराम बकरा 20 रोज काटा तो भाई सड़ा नंद रखो। दयाराम कहे बदनाम के हो। नाव पृथ्वी पार हो तो गांव किनारे 10-12 बीघा खेतवा हो चाहिए। कोई विश्वभ नहीं नाव पृथ्वी पार रखो। पैसा दे आए कहला गुरु जी मेड़ाई तो हम कर का मेड़ा पैदा भयो। नाव केर बदनामी ना करो। जैसे नाम हो वैस काम हो। नाम की जिधर महिमा खत्म नाम की महिमा न खाली जाएगी हर दवा अपना असर दिखलाएगी।
राम केरे राम दम नहीं है, जत्ती दम राम केरे नाम है। राम से बड़ा राम का नाम, राम के राम से और राम के नाम से एक बार युद्ध हुआ, राम जी हार गए और नाम जीत गया था। ये चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी, बड़ी विचित्र बात। तो राम एक तरफ खड़े हैं, नाम एक तरफ खड़ा है। राम और नाम से युद्ध हुआ था, स्वयं राम हार गए, नाम जीत गया था। दुनिया में आदमी मर सकता है, राम तो मर सकता है लेकिन नाम नहीं मर सकता। हम आप भैया मर जाएंगे लेकिन नाम हमारा अमर रहेगा। हमारे नेताजी हम आपके बीच में नहीं है लेकिन उनका नाम आज नहीं इतिहास में आएगा। तो ऐसा कोई काम कह जाओ जो मरने के बाद लोग नाम लें, ऐसा कोई काम कह जाओ जो मरने के बाद सोचें। कुछ आदमी ऐसे हैं जिंदा हैं लेकिन मर गए, और कुछ आदमी ऐसे हैं जो मर गए लेकिन जिंदा हैं। भाई मेरे हैं सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, ये सब आदमी तो हैं, मर तो गए लेकिन नाम जिंदा है। और कुछ आदमी ऐसे हैं जिंदा तो हैं लेकिन उनसे मतलब ही नहीं, तो इससे जिंदगी से क्या मतलब। हम सब बड़े भैया भागशाली हैं। महाराज परीक्षित और नवलदेव के विवाह की कथा सुना।